Assalamu alaikum. My name is Saifullah. I welcome you all to the platform of Javed Publisher. अपने आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 कंप्यूटर स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 नो योर कंप्यूटर को पढ़ेंगे। अपने इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, CPU क्या होता है, मेमोरीज क्या होती हैं और किन किन मेमोरीज को हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कैन डू अ वैरायटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम। दिस इज़ द रीज़न व्हाई कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज। चिल्ड्रन, डू यू एग्री दैट कंप्यूटर कैन डू अ वैरायटी ऑफ टास्क? नाउ लेट अस चेक व्हाट यू कैन डू विद योर कंप्यूटर। टिक the type of works that you can do on your computer. Number 1, playing games. Yes, of course. Number 2, drawing and coloring. Tick. Number 3, typing of letters. Yes, you can do that on computer as well. Number 4, learning about various subjects. Of course, yes. Watching movies. Tick. Sending and receiving emails. Tick. Storing data. Tick. Making of our food. Cross. तो ऊपर दिए गए काम में ये तमाम काम सिवाय making of our food के कंप्यूटर कर सकता है। इस कंप्यूटर की डेफिनेशन को मजीद पढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर किस तरह काम करता है। What is a computer and how does it work? A computer is an electronic machine that takes data or instructions as input, processes it, and gives the result as output. A computer works in the following way. You enter the data and instructions into the computer using the input devices like keyboard and mouse. This is called the input data. Instructions tell the computer about what to do with data. आप कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हुए अपने इंस्ट्रक्शंस और डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। The computer works on the input data with the help of processing unit. Processing unit, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, वो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को प्रोसेस करता है। इस स्टेप को हम प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा द कंप्यूटर गिव्स द रिजल्ट्स ऑन द आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल प्रिंटर और मॉनिटर। आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर उसी डाटा को आपके आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर या प्रिंटर तक पहुंचा देता है। इसे आउटपुट कहते हैं। इन तीन स्टेप्स को हम इकट्ठे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस यानी IPO प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। द अबव मेंशन स्टेप्स टुगेदर फॉर्म द इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। लाइक इन एग्जांपल 1, फ्लोर इज द इनपुट, नीड इज द प्रोसेस and door is your output. In example 2, data 5 and 10 and instructions add is input, while adding 5 and 10 is a process, and 15, that is the answer, is your output. Limitations of a computer. A computer is a dumb machine. It cannot do anything on its own if no command is given to it. कंप्यूटर सिर्फ आपकी दी गई कमांड्स को ही समझ सकता है और उन्हीं पर चलता है। ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता। तो अगर आप इसे कोई कमांड नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं करेगा। अ कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन वर्क ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए चलते हैं और सीखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फ़र्क। पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर को।
द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड फील आर कॉल्ड द हार्डवेयर. फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मोनिटर, सीपीयू एटसेट्रा. हार्डवेयर पार्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज. इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज एंड स्टोरेज डिवाइसेज. ये तमाम हार्डवेयर कहलाते हैं. इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे इनपुट डिवाइसेज के बारे में. इनपुट डिवाइसेज अपनी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में फीड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इनपुट डिवाइसेज आर यूज्ड टू फीड डाटा और इंस्ट्रक्शंस, आल्सो नोन एज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज आर दीज: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन. माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल आप लोग पहले ही सीख चुके हैं. इस एक्टिविटी में हम स्कैनर का इस्तेमाल भी सीखेंगे. टीचर्स बच्चों को स्कैनर की मदद से अपने क्लास रिपोर्ट को स्कैन करके उसको कंप्यूटर में सेव करना ज़रूर सिखाएं. हमारा अगला डिवाइस है प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं. अ सीपीयू प्रोसेसेस द डाटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र एंड जनरेट्स द डिजायर्ड आउटपुट. It is the main processing device and also known as brain of the computer system. The CPU is located inside the system unit, which is a rectangular box placed on or underneath your desk. CPU हमारे कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके कंप्यूटर से काम करवाता है. इसीलिए हम इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. यह आपको CPU बॉक्स में मिल जाएगा. It is made of three main parts: memory unit, control unit, and ALU, also known as arithmetic and logical unit. अब हम सीखेंगे कि क्या होते हैं output devices. The output devices are used to get the output from a computer. After processing the input data, let's have a look at some of these devices: monitor, printer, speakers, and headphones. इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करके आप अपने प्रोसेस डाटा को वापस कंप्यूटर से ले सकते हैं. अब हम सीखेंगे कि क्या होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा. स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. इनमें शामिल हैं हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, रैम, रोम और बहुत सी. There are two types of storage devices. Storage devices को उनके काम की बेस पर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: primary और internal storage and secondary और external storage. पहले हम सीखेंगे primary storage devices के बारे में. Primary storage devices are primarily used by the CPU. Primary storage consists of two different memory devices, ROM and RAM. Primary devices का काम हमारे CPU के लिए डाटा को स्टोर करना होता है. पहले हम पढ़ेंगे ROM के बारे में. इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट स्टोर्स द बेसिक instructions टू बूट और स्टार्ट द कंप्यूटर. इट स्टोर्स द डाटा permanently. डाटा को permanently स्टोर करने के लिए और उसकी बूटिंग या स्टार्टिंग instructions को स्टोर करने के लिए हम ROM का इस्तेमाल करते हैं. RAM. RAM stands for Random Access Memory. It is also known as the computer memory. It stores the data temporarily. The CPU uses it to store the supporting files of the program which are currently running on the computer. आप जिस भी प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं उसकी सारी फाइल्स और सारा डाटा इसी RAM पर यूज हो रहा था. Secondary storage device. A secondary storage device is used to store the work done on a computer permanently. ये डाटा को और फाइल्स को permanently store करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. Some examples of secondary storage devices are given below. The hard disk. The hard disk is the main secondary storage device of a computer. It is located inside the system unit. All the work you do on your computer by default gets stored in the hard disk. Hard disk आपके
कंप्यूटर में मौजूद तमाम फाइल्स को सेव किए रखती है। आपके कंप्यूटर में जाने वाली हर इंस्ट्रक्शंस और हर फाइल इसी हार्ड डिस्क पर सेव होती हैं। आपके कंप्यूटर पर दी जाने वाली तमाम फाइल्स इसी हार्ड डिस्क पर सेव होती हैं। द सीडी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ ब्राइट राउंड डिस्क दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट इमेजेस एटसेट्रा। इन अ सीडी वी कैन स्टोर डाटा अप टू 700 MB। एक सीडी में आप सिर्फ 700 मेगाबाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अ डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अ डीवीडी लुक्स सिमिलर टू अ सीडी बट इट कैन स्टोर मोर डाटा देन अ सीडी। इन अ डीवीडी वी कैन स्टोर मोर डाटा अप टू 4.7 GB। एक डीवीडी में आप 4.7 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सीडी की तरह ही काम करती है। द पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज एन इजी टू यूज स्मॉल साइज्ड स्टोरेज डिवाइस। इट इज प्लग्ड इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। पेन ड्राइव्स आर वेरी पॉपुलर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एंड आर कॉमन नाउअडेज। प्रेजेंटली इन अ पेन ड्राइव वी कैन स्टोर अप टू 512 GB डाटा। एक पेन ड्राइव आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के तौर पर काम करती है। आप इसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दैट टेल्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इससे पहले हम ये बात सीख चुके हैं कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोच सकती। इसे कोई भी काम करवाने के लिए हमें इसे पहले इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अ कंप्यूटर इज यूजलेस मशीन विदाउट सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल विंडोज 10, विंडोज 7, टक्स पेंट, वर्ड पैड एटसेट्रा। देर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। Operating system is a type of system software which provides the platform to use a computer. System software का काम आपके computers की तमाम functionality और उस पर चलने वाले तमाम softwares को control करना होता है। मिसाल के तौर पर Windows 7, Windows 10, Linux, Mac, OS, etc. ये सभी system softwares हैं। Application softwares. An application software helps us to perform specific tasks or run specific applications on a computer. For example, Tux Paint, WordPad, MS Paint, etc. Teachers अपने students से ये activity ज़रूर perform करवाएं कि वो internet को इस्तेमाल करके दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ operating systems और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एक एक लिस्ट तैयार करें। हाउ टू यूज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। डीवीडी कॉम्बो ड्राइव। अब हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी डीवीडी और सीडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कॉम्बो ड्राइव चाहिए होता है। दिस डिवाइस इज यूज टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ सीडी और डीवीडी। यूजिंग अ सीडी और डीवीडी। If you want to use CD or DVD, follow these steps given below. Step 1. Press the DVD combo drive button. A tray will come out. Put the disc on the tray. Again press the DVD combo drive button. The tray will go inside. Now open the This PC window and double click on the DVD drive. Select any file or folder and double click on it to open it. इसके साथ ही हमारे सीडी पर मौजूद या डीवीडी पर मौजूद तमाम कंटेंट्स हमारे स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। दिस पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल डिवाइस टू अ कंप्यूटर। इस पोर्ट को इस्तेमाल करके हम किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। यूजिंग अ पेन ड्राइव। To use a pen drive, follow the steps given below. Insert the pen drive in any of the USB ports on the system unit.
अपने सिस्टम यूनिट में किसी भी USB पोर्ट में आप अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे। ओपन द दिस पीसी विंडो एंड डबल क्लिक ऑन द न्यूली क्रिएटेड ड्राइव अदर देन द परमानेंट ड्राइव्स। अपनी पेन ड्राइव इंस्टॉल करते साथ ही आपको दिस पीसी में एक नया ड्राइव नज़र आ जाएगा। उस ड्राइव को खोलने से आप अपने पेन ड्राइव पर मौजूद तमाम कंटेंट्स को देख सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द पेन ड्राइव विल बी डिस्प्लेड। चलिए चलते हैं और एक छोटा सा क्विक रिव्यू करते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डेटा प्रोसेस इट एंड गिव्स द रिजल्ट। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ IPO प्रोसेस। अ कंप्यूटर हैज टू मेजर कंपोनेंट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड द हार्डवेयर। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव data or instructions to a computer. Processing device processes the input data or instructions and generates the output. Output devices are used to get output from a computer. Storage devices are used to store data. There are two types of memory, primary storage and secondary storage. A software is a set of instructions or program that tells the hardware what to do and how to do. The two major categories of software are the system software and the application software. तो व्यूअर्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, नो योर कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर के खत्म होते साथ ही आपको कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ पार्ट और मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपनी अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।